रखूं मेरा घर, किसी को क्या मसला। बस आंटी एक और बात है, मैं भी शर्मा को भी यही कमेंट आया था। अगर एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का व्लॉग है, बड़े अरसे बाद सोनिया भाभी आई है। बोल रही है नहीं आते सार भाभी सोनिया नहीं है बोल रही है। काफी टाइम भाभी, कितने टाइम बाद आए हो? हफ्ते बाद, एक मिनट बाद नहीं आई, काफी टाइम बाद आई है आपको। पिछली तक गोपाल भाई आता बच्चों को छोड़ के, अम्मी को छोड़ के चले जाते। भाभी सोनिया काफी टाइम बाद आई है, एक हफ्ते बाद नहीं आई। हाँ तो मुश्किल, मिशेल को गए भी कम से कम डेढ़ हफ्ता हो गया। दो क्या हो गया तेन, हिल गया नहीं? मैं नहीं हिला। तो चलिए जी भाभी आप बताओ कैसा लग रहा है आज, कितने दिनों बाद आए आप बताओ, आपको तो पता ही होगा। नहीं आप बोल रहे थे मैं सुमेरा का शोर नहीं इतने दिनों से सुना, मैं बेताब बेचैन हो गई थी। तो भाभी बोल रही है आगे सुमेरा की फेवर कर रही है, आपको उसको पंजाब लेके जाना चाहिए। ये भाभी आगे स्पेशल पंचायत करने आई है मेरे साथ कि जा उसको पंजाब लेके जाओ। आप क्या बोलते हो बाजी मारिया? कुछ नहीं, अच्छा लग रहा है। मैंने बस क्या बोला कि बात क्या हो रही है? वो ध्यान नहीं था ना। और बाजी वो हम ये कह रहे हैं कि सुमेरा को साथ लेके जाना चाहिए आपको। हाँ ये बोल रहे हैं आप, क्या बोलते हैं जाए या ना? हस्बैंड के साथ बाहर जाना चाहिए। तो भाई ये भाई को भी चला जाना चाहिए। नहीं ना हस्बैंड, हस्बैंड नहीं भाई को भेज। बैंड बैंड ही दावत है दूसरा। बैंड कौन है तेरे? बैंड कह रहे हैं यार। नहीं बैंड आप हो। मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपसे बात की मैंने आपको कुछ बोला? जी शाजिया ने लड़ना शुरू कर दिया गोपाल भाई के साथ। मोनेटाइज नहीं खोला मेरे को कि डाल उनका चैनल मोनेटाइज करके दे रहा हूँ। बोला 500 की मिठाई खिला दो, कोई और होता उससे 2-3 हज़ार रुपया 4 हज़ार तो भी नहीं है ना। 500 भी अभी आपको पता तो है एंड वाले दिन चल रहे हैं कितने मुश्किल। इससे सिर्फ मिठाई मांग रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मिठाई। हक बनता है मिठाई का भाई, खवा दे फिर मिठाई। चलो 300 बोलो, 300 तो आ गई जो गाल मुकाओ। आप क्या बोल रहे हो? 300 की बर्फी सुमन, तू क्या 300 रुपया में जड़े ना 300 जैसे जुआ वहाँ आई बस सोनी तो उसी यंग करते हो। वहाँ पे कोई है ही नहीं है, कौन आपका सर देखेगा? मैं क्या मामी को 300 लाया के मामू दे दे। भाई 3 जुए पकड़ो 300 पक्का भाभी बोल दो। तो यहाँ पे सुमेरा, तो चलिए जी यहाँ पे सुमेरा को मैंने बोला था सुमेरा अब चाय रखो भाभी सोनिया से, उसका शोर सुनने आ गई थी ना। तो बस इतने से घूम इतने सारे लोग वो छह कप है चले बस व्लॉग साथ चल रहा है, बने रहो आगे जो होगा आपके साथ शेयर करते रहे। आप इसलिए वो खुद ही निकाल लेते हैं, पावरफुल होते हैं ना। नहीं नहीं भाभी ये कहाँ की बात थी, कहाँ गई? जहाँ की समझ लो बस आप दोनों का पता। भाभी के कान पे जाके शॉट डालो, भाभी ने बोला इतने दिनों से मैंने शॉट नहीं सुना। तो यहाँ पे क्या हुआ सुमेरा? क्या चाय नहीं बनाई आपने मेहमानों के लिए? भाभी ये देख लो अभी आपको घर का बंदा समझती, मेहमान होते एक मिनट में चाय आ जाती। चाय रख के आई हूँ, समझ आई है या नहीं आई? नहीं इतना आज आज पान वाली आंटी की वजह से इसने मुझे मारा, इसका जिम्मेदार कौन है? फिर कैसे बोलते हैं कैसे बोलते? बड़े जो कुछ मर्जी बोलते हैं, एहतराम करते हैं मैडम जी। अपना माँ बाप भी तो इतना कुछ बोलता बंदा पर नहीं ना, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। ये है कि उनका बोलने का तरीका जो है ना वो गलत है भाभी। मुझे ये भी नहीं पता कि कौन है किसकी बात कर रहे हैं, मैं ऐसे पता
क्या बोल रहे हो? दिमाग खराब किया पानू आंटी कभी गुस्सा कर रखूं, गंदा रखूं मेरा घर, किसी को क्या मसला? बस आंटी एक और बात है, मैं भी शर्मान को भी यही कमेंट आया था। अगर मैं गंदा रखती हूँ ना, आप कर जाया करो। तो सुने वो कह रहे थे आके सफाई का आर्ट कर दिया, मतलब जिन प्रॉब्लम है आके साढ़े घर का काम कर दिया। आपके कहने का मतलब पान वाली आंटी को पांच पान खिलाऊं, घर का काम करवाऊं, सफाई वगैरह? मारिया बोल रही है कि मेरा भी घर गंदा रहता है, मेरे को भी मेरा है। जिसको लगता है कि अपने घर की बात है, कोई मसला ही नहीं है मुझे इन चीजों में। नहीं, रिएक्शन वीडियो बज मारिया आज के बाद ऐसे नहीं। वाकई में आपने बहुत दफा बोला कि जब फेमस ना हो रहे हो तो किसी की बरखिलाफी करनी शुरू कर दो, ये आपने बोला है? झूठ नहीं बोलो, झूठ नहीं बोलो, लेकिन सच बोल क्या बुराई करो उसमें? अच्छाई भी बंदा कर सकता, अच्छाई में भी रिएक्शन दे सकते हो। उन्होंने कि उसके बाद गलत ही बोला तो उसको भी बंदा रिएक्शन बोलता है, अच्छी बातें भी बंदा बोल सकता है। अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखो वो पान वाली आंटी, थैंक यू सो मच, सोनू की दुनिया। क्या आप हमें इसी बहाने याद तो रखते हैं ना? सोनू की दुनिया ठीक है, कम से कम वीडियो पूरी पहुंच कर, हमारी बाजी है ठीक है, उसको मैं यही मैसेज दूंगा, देख लो उसने मुझे हमेशा अच्छे लफ्जों में याद किया, थैंक यू सो मच, लाइक करो, फॉलो करो, फॉलो करो। नहीं, सुमेरा को बड़ा बड़ा अच्छा बोलती, जितना अच्छा सुमेरा को बोलती इतना अच्छा किसी को नहीं बोलती। हम सुमेरा को मेरे काफी देर से बोलता चाय, तो सुमेरा चाय कितना रह गया चाय का काम? बस हो गई, हो गई तो हो, चाय बॉईल हो चुकी है, तो अभी चाय जो है ना इनको दें गोपाल भाई वाले में। अभी मैंने बर्तन सारे धोए, काफी ज्यादा बर्तन हो गए थे, ये देखिए अभी पानी लगाया ऊपर, पानी नहीं था। सही, ये अंडा के क्यों दिख छिलका यहाँ पे क्यों रखे, फेंक दो डस्टबिन। ये अभी बनाया हम था सही आपसे, क्या ये प्रैक्टिकल हो सकता है कि जैसे कि अंडा होता है, एक अंडे से मतलब ये इसका पूरा सामान निकाल दिया जाए, जर्दी मतलब पूरा अंडा निकाला जाए, किसी गर्म चीज़ में रखा जाए, इसमें से चूचा निकल सकता है अगर टीके वगैरह लगाए जाए तो? ये प्रैक्टिकल होता है, ये मैंने देखा है। तो यहाँ से सुमेरा के साथ होगी मेरी शादी, दिखा सुमेरा ने डाल ली है। हाँ जी चले, बाजी शाजिया चाय पी लो। ओके जी, यहाँ पे चाय आज बाजी चाय आ गई है, चाय पी लो। नहीं आप पियो, आपके लिए भाभी, आपके लिए चाय मंगवा दी मैंने भाभी, तो पियो ना। ओ देखो जिसने चाय पीनी है, चाय की शकीन है, अम्मी के साथ रहती है, तो जान चाय पिलो आके। ये जान है, ये जान है, ये जान है, तो जवान कौन सा होगा? शाजिया ने कर दिया फड्डा शुरू, किस बात का? मोटर जो हमने किराएदार रखा वो मालक मकान है, हम लोग किराएदार आ गए। अच्छा, हाँ। आपको कैसे पता? क्योंकि हमारे घर में पानी नहीं है और उन्होंने पानी वानी भर लिया, मोटर उधर रखी हुई। सही, और तो सुमन और विश्वजात जो मोटर लेके नहीं आ रहे। सुमन आप मोटर क्यों नहीं ला रहे बेटा? यार वो मैं मामू को थोड़ी लाई जानी है, मैं मामू को कह रही हूँ। क्या बोल बच्चे बाथरूम जाना, अपने बच्चे टैंक चो कट कट के इस्तेमाल करो, अपने दो दो मुंडे कर रहे लगा लगे सा पानी मोटर चुके ला गए, क्या बोल रही है? हाँ? कोई बात नहीं, बढ़िया बोल रहे हैं। कोई बात नहीं बाजी, रो नहीं, रो ना। मैं नहीं रो रही। अच्छा। दो तीन बार बाद में क्या भी मोटर चुक के ले आ, नहीं चाहिए रो नहीं ले आ रहा, तेनू क्या तुम ही नहीं ले आ रहे, तो पानी हो फिर लाइट और जाएगी तो फिर कौन लाइट? टेंशन ना ले, मैं तेन मोटर चला के आवा बिना लाइट दे।
इन्ना को दिमाग तेरे भरा च है, मोटरसाइकिल गड्डी ना चला दंगा मैं, मोटरसाइकिल ना मोटर चला दंगा। फिर मेनू कहेगा 400 दा पेट्रोल पवा। नहीं 100 दा पवाइना बस, 400 दा ना पवाइना। भरा जाएगा अच्छा खासा चलेगा। इतनी बड़ी टैंकी आपको पता नहीं है? आराम से भर जाएगी 100 रुपए में, मैं बता दूंगा। 200 रुपया मैं भर देती हूँ, क्योंकि जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो खाली वो ऐसे एक्सीलेटर लॉक करके छोड़ दूंगा उसके बाद में। तो भी लाइट है ना, आप मोटर उठा दे तो हम लाइट पे लगा लेते। जाओ उठा दो, मैं मुझसे थोड़ी उठाई जाएंगे। तो चलें बस, आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।